किसी भी मूवी का क्लाइमेक्स ट्विस्ट और टर्न अपनी आखिरी सांस और अपनी जान बचाने के लिए फाइट करना। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है शरीर का सारा ब्लड सर्कुलेशन दिमाग तक पहुंच जाता है। ऐसी मूवी देखकर कई दिनों तक सोचना कि मैं उसकी जगह होता तो क्या करता। डेडली गेम से बचते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। दो लड़कियों का रॉक क्लाइंब एडवेंचर एक भयानक नाइट में बदल जाना जब वो चार लड़कों से मिलती है जिसमें से एक पूरा संकी है। 2002 में आई द लैच। ये मूवी देखकर आपको लो बजट तो फील होगा बट ये लड़की जो सबूत लेकर भागती है और रॉक क्लाइंब स्टार्ट कर देती है वहीं से मूवी क्या मोड़ लेती है। एक टाइम पर तो लगता है कि चार लड़के एक लड़की को पकड़ ही लेंगे बट क्या ही लड़की बचती है। कैरेक्टर से आप रिलेट तो नहीं कर पाओगे बट लड़की का डर आप भी फील कर पाओगे। बस स्टोरी और कैमरा एंगल और थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता तो भाई मजा आ जाए। कुछ अटल सीन नहीं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। 1 hour 26 मिनट की मूवी मस्ट वॉच तो नहीं है बट वन टाइम वॉच है। अमेजोन प्राइम पर इसको हिंदी में एंजॉय कर सकते हो। 4 की मूवी आपको कुछ सिखा के ही जाएगी। एक लग्जरी हाउस में कुछ लोग घुस जाते हैं बट वहाँ पर एक लड़की है जो अंधी है। और मत करो, एक पंगा हो गया शायद यहाँ कोई है। वैसे तो इस लड़की ने मुझे डू नॉट ब्रीथ की याद दिलाई थी बट सिचुएशन वही तो है बट लड़की वैसी नहीं थी। वैसे तो ये लड़की क्या ही कर सकती थी बट इसकी मॉम ने ये ऐप नहीं बताया होता तो। ये लड़की कॉल पर जिससे मदद लेती मैं तो पूरा रिलेट कर पा रहा था। एक टाइम पे इसके लालच ने पूरा गेम चेंज कर दिया था और उसी में फंस जाती है। इसने हमारे चेहरे देख लिए। मैंने नहीं देखे। बस इसकी स्टोरी में थोड़े और एक्शन डाल दिए जाते हैं और दोनों की लड़कियों की एक्टिंग भाई साहब। 1 hour 32 मिनट की मूवी को आप अपनी फैमिली के साथ अमेज़न प्राइम पर हिंदी में एंजॉय कर सकते हो। 3 की मूवी एक ट्रू इवेंट पे बेस है। एक बार टनल में घुस गए तो बाहर निकलने की गारंटी नहीं। एक छोटा सा एक्सीडेंट बड़ा धमाका पूरे टनल को गैस चैम्बर में बदल देता है जहां एक सांस लेना मुश्किल हो 40 किलोमीटर बाहर कैसे निकलोगे। नॉर्वे की मूवी है तो हर एक सूट में खूबसूरती दिखेगी। मूवी का फर्स्ट हाफ आपको स्लो लगेगा जो जरूरी था अंदर और बाहर के लोगों का बॉन्डिंग दिखाना, खासकर एक्सप्लोजन के बाद वो टनल गैस चैम्बर में बदल जाना। सब एक्टर की टेंशन वाली एक्टिंग लास्ट तक आपको एंगेज रखेगी कि सब बच पाएंगे या नहीं। 1 hour 44 मिनट की मूवी आपको अपने सिनेमेटोग्राफी से इंप्रेस करेगी। कुछ अटल सीन अपनी फैमिली के साथ अमेज़न प्राइम पर हिंदी में एंजॉय कर सकते हो। 2 की मूवी भाई साहब 50 लोग एक दूसरे को जानते नहीं एक डार्क रूम में सर्कल में खड़े हुए एक एक कर सब मर रहे हैं। किसी को पता नहीं कि वो यहाँ कैसे और क्यों आए और कोई यहाँ पर दूध का दूल्हा नहीं है। 2015 में आई सर्कल। बस एक ही प्रॉब्लम इंग्लिश डबिंग जिससे आप एक्टर से रेट तो नहीं कर पाओगे। जिस गेम में फंसे उसमें से बचेगा कोई एक ही। यूनिटी दिखाने के अलावा ये सब कुछ करते हैं। दो जनों की वजह से पूरा गेम चेंज हो जाता है। एक ही जगह शूट होने के बावजूद अलग अलग कैमरा एंगल और इनकी तू तू मैं आपको एंगेज रखेगी कि लास्ट तक कौन बचेगा। बस इसकी एंडिंग एक्सप्लेन कर दी जाती है बिना ये लॉजिक लगाए कि अंदर कैसे आए। कुछ अटल सीन नहीं 1 hour 27 मिनट की मूवी को अपनी फैमिली के साथ नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में एंजॉय कर सकते हो। 1 की मूवी भाई साहब ऐसी जगहों पर जाने पर आप भी डरोगे। 13 बच्चे केव में मजे लेने के लिए जाते हैं बट बिना मौसम की बारिश उनकी हाल कर देगी उन्हें सोचा नहीं होगा। जहां नॉर्मल चलना इतना मुश्किल होगा बारिश के बाद क्या हाल होगा। तो 2500 मीटर बाहर कैसे निकलेंगे। स्टार्टिंग के 30 मिनट हम ऐसा कुछ नहीं दिखाया कि हमारा इंटरेस्ट बने। थाई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है। बच्चों को बचाने 5 दिन निकल चुके और ये बात हर जगह फैल चुकी है। बच्चों के पेरेंट्स सारी आस छोड़ देते हैं फिर आते हैं ब्रिटिश ड्राइवर जो बच्चों को ढूंढ तो निकालते हैं बट उनको बाहर निकालना इतना आसान नहीं है। हर कैरेक्टर की एक्टिंग और उनका टेंशन आपको एंगेज किया कि वो बच्चों को बाहर निकाल पाएंगे या नहीं। वहाँ के हर एक लोग मदद कर रहे हो जो उनसे हो सकता है वो कर रहे हैं। हर एक चीज इतनी अच्छी तरह दिखाई तो नहीं गई है फिर भी हर एक चीज आप फील कर पाओगे। 2 hour 27 मिनट की मूवी आपको बिल्कुल भी लॉन्ग फील नहीं होगी। अपनी फैमिली के साथ अमेज़न प्राइम पर हिंदी में एंजॉय कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी क्वालिटी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सबसे मिलते हैं ट्विटर और इंस्टाग्राम पर।